साहित्य जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिशील काव्य और कवि। प्रगतिशील काव्य। १९३० ईस्वी के आसपास राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में नया उभार आया। देश में किसानों मजदूरों के आंदोलन तेज हुए और कांग्रेस में समाजवादी रुझान प्रभावशाली हुआ। उधर रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई थी और मार्क्सवादी विचारों की लहर एशिया के देशों में भी चल रही थी। ऐसी स्थिति में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति प्रेमचंद थे। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद अमृत डांगे जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसके सभापति बने। प्रगतिशील चेतना का प्रादुर्भाव तो आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु के साथ ही हो गया था, किंतु अब उसमें एक सुसंबद्ध विचारधारा के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हुआ। इस विचारधारा ने स्वाधीनता के स्वप्न को और अधिक सुस्पष्ट बनाया। इसके बाद अपने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगतिशील काव्यधारा हिंदी की प्रमुख काव्यधारा बनी हुई है। इस काव्य में व्यापक संवेदनशीलता है। ये काव्यधारा अपना संबंध हिंदी की जातीय परंपरा से जोड़ती है और भावी समाज से भी। वर्तमान के प्रति वह आलोचनात्मक यथार्थवादी दृष्टि अपनाती है। प्रमुख प्रगतिशील कवियों का परिचय है। नागार्जुन 1911 से 1998 ईस्वी। नागार्जुन की कविता में परंपरा की मूल्यवत्ता और आधुनिक जीवन की विडंबना दोनों का योग है। नागार्जुन की कविताओं पर इनके मूल जनपद मिथिला का प्रभाव है। ये प्रकृति चित्रण के उत्कृष्ट कवि हैं। इनकी कविताओं में व्यंग्य की अचूक धार होती है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में जन संघर्ष को वाणी दी गई है। इन्होंने प्रकृति, नारी सौंदर्य और श्रम सौंदर्य के अभूतपूर्व बिंब प्रस्तुत किए हैं। ये बुंदेलखंड की धरती के कवि हैं। इनकी कविताओं पर निराला का प्रभाव दृष्टव्य है। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि
इनके उल्लेखनीय काव्य संकलन हैं। त्रिलोचन, जन्म 1917 ईस्वी। इनकी कविताओं में जनजीवन की मार्मिक स्थितियों को आडंबरहीन सहज भाषा में व्यक्त किया जाता है। अवध जनपद इनकी कविताओं में प्रायः सर्वत्र विद्यमान है। त्रिलोचन हिंदी कविता में व्याकरण सम्मत वाक्य गठन और सोनेट यानी छंद विधान के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, अर्घान, उस जनपद का कवि हूं आदि। शिवमंगल सिंह सुमन 1917 से 2002 ईस्वी। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिशील धारा के लोकप्रिय कवियों में अग्रगण्य हैं। सहजता और उद्बोधन इनकी कविताओं का गुण है। इनकी कविता में वक्तृता का गुण पाया जाता है। हिल्लोल, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया आदि इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी। गजानन माधव मुक्तिबोध मध्यवर्गीय जीवन के आधुनिक कवि हैं। मध्य वर्ग का व्यक्ति सुविधा जीविता और आदर्शवादिता के द्वंद्व में जीता है। मुक्तिबोध इसी द्वंद्व के तनाव के कवि हैं। इनकी कविता में असुरक्षा एवं अनिश्चय की भावना प्रधान है, जिसका समाधान वे प्रगतिशील दृष्टिकोण से ढूंढने का प्रयास करते हैं। इनके काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। प्रगतिवादी कविता ने स्वाधीन भारत की स्थितियों में भी विकास किया और इसकी धारा अवरुद्ध नहीं हुई। शील, भारत भूषण अग्रवाल, रांगेय राघव, सोम ठाकुर, नीरज, बलबीर सिंह रंग आदि उल्लेखनीय प्रगतिशील कवि हैं। प्रगतिशील काव्यधारा की प्रवृत्तियां। प्रगतिवादी काव्य शोषण का विरोध करता है। उसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीवादियों के अत्याचार का अंत करेंगे। प्रगतिवादी कवि शोषित में शक्ति देखते हैं, क्योंकि शोषण इतिहास की गति और सामाजिकता के विपरीत है। प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य देखते हैं। उनका सौंदर्य बोध सामाजिक मूल्यों से युक्त है। वे सहज सामान्य जीवन स्थितियों में भी सौंदर्य देखते हैं। प्रगतिवादी कवि व्यंग्य के द्वारा विषमता का चित्रण एवं उसका विरोध करते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति और ग्राम जीवन के अनुपम चित्र खींचे हैं। प्रगतिवादी कवियों ने प्रेम को सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा और उसका चित्रण किया। आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिशील काव्य और कवि।
साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉ. संध्या सिंह, डॉ. चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर के चंदन और सुनीता चौहान। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।